ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का खबरों के सिलसिले को अगे तोड़ते हैं। कुलदीप सिंह भोगल ने भावुक होकर सिख कौम नूं अपील की है। उन्होंने कहा कि सारी कौम मिलकर 84 पीड़ितों को इंसाफ दवाउण दे लई सहयोग दे। 1984 पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो भी समा मंगया गया। उन्होंने कहा कि जो समा ना मिले तो 84 पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। तानपुर की SIT के अधिकारी 1984 के मुलजमान के नाल रले तो भोगल यह कहते भी नजर आए। कानपुर SIT के अधिकारियों बदले जाने की मांग भी की गई है। 38 मुलजमान जिथे की गिरफ्तार करवाया सी, 4 मुलजमान बेल मिल चुकी है। दस दिए कि ऑल इंडिया दंगा राहत पीड़ित कमेटी के चेयरमैन ने भोगल जिन्हों के वालों हूँ सिख कौम को एकजुट होकर 84 पीड़ितों के लिए इंसाफ के लिए अपील की गई है। देखो SIT का जो रवैया है सी वो गलत सी। इदे बारे ही मैं उत्थे दे मुख्यमंत्री श्री योगी जी नूं मिलना चाहता सी, मगर 3-4 महीने तो मैनू टाइम नहीं दिता गया। मैं उन्हां नूं यही गल दसना चाहता सी कि जिहड़ी तुहाडे द्वारा बनाई गई SIT है वो कम जिहड़ा ठीक नहीं कर रही। कुछ ऐसियां गल्लां अफसरां दे नां ते हैगियां हन जिन्हां ने उत्थे गलत कम किए हैं और उहदा नतीजा जो होया बंदर बंदे जिहड़े हैगे न वो अंदर गए हैं और 2 महीने बाद वो बाहर आने शुरू हो गए। ऐ हुण 4 बंदे जो सी उन्हां दी जमानत हो गई, 9 ने होर लगाई है। मैनू ये समझ नहीं आ रही कि जिहड़ा दोषी होवे, जिसने कतल किया होवे, जिन्हें करोड़ों का नुकसान किया होवे, है जी उन्हूं तुसी जमानत 2 महीने बाद जमानत दे दिओ। ये मैनू मैं कोर्ट का बिल्कुल गल करना चाहता। कोर्ट ने क्यों वड्डी है कोर्ट, असी कोर्ट बारे कुछ नहीं बोलना चाहते। असी बोलना चाहते हाँ कि ना SIT दे लोगों ने गलत काम किया है। स्टेटस रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। चलान जो पेश किए गए हैं वो सानू नहीं दिते गए। साढ़े वकील साहब प्रसून कुमार नू चलान नहीं दिते। इहदे नाल सानू पहले पता लग गया ये लोग जो हैं SIT दे ये शक दे घेरे च आ गए। मैं देश दे गृह मंत्री तो भी इस बारे टाइम मंग रहा सी। उन्होंने मैं टैलीफोन पर यह जहाँ गल्लां नहीं हो सकदियां सी जो मैं उन्होंने दस्या सी SIT दे बारे। मैनू प्रधानमंत्री साहब ने अमित शाह जी को टाइम लैके दिता। उन्होंने PM दे दफ्तर तो टैलीफोन आया सी, आप जाके उनसे मिल लें, आपको टैलीफोन आएगा। मगर अफसोस की गल है मैं बंदे भी बुला ले सारे, कानपुर तो भी आ गए, मगर 3 बजे का टाइम सी, असी बैठे सी। उस तो बाद उन्होंने PA ने कहता कि वो जरूरी काम पे निकल गए हैं, अब आपको अगली बार टाइम देंगे। मैनू लगता सी कि अज 3.5 महीने हो गए जब तक टाइम नहीं मिलया। मैं उन्होंने भी ये SIT की गल दसना चाहता सी। ये बड़ा वड्डा गुनाह किया SIT ने, बोलती नहीं उत्थे जब जमानत करवाण जाते, जो सरकारी वकील नहीं बोलते पे, स्टेटस रिपोर्ट गलत है, चलान सानू देंदे नहीं पे। असी देखिए भाई उन्होंने लिखा की है, ये शक दे घेरे विच ना SIT वाले। मेरी फिर बेनती है योगी जी नू, अमित शाह जी नू, सानू टाइम दिता जाए ताकि असी दुध दा दुध पानी दा पानी करके दिखाइए कि किहड़े लोगों ने ये SIT ने जिहड़ी रिपोर्टां हन ये गलत बनाईया हन। मैं जिथे इन्हां नू अपील करदा हाँ सरकार नू, उत्थे मैं अपील करदा अपनी कौम नू, पंथ नू, मैं अपील करदा हाँ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू। साढ़े गिले शिकवे जो होणगे ओ मैं दरकिनार करदा हाँ। अज आओ एक कौम दा काम है, मेरा काम नहीं हैगा। मेरे विच जितनी हिम्मत सी मैं कल्ला जाके, और मेरे वकील प्रसून कुमार असी कल्ले जांदे सी उत्थे, भावें बरसात होवे भावें तूफान होवे, असी 38 बंदे कट के लियाए RTI दे विच। ये दुनिया नू पता हैगा। मैं सारिआं नू बेनती करदा हाँ, कानपुर दे लोगां नू बेनती करदा हाँ, हाथ जोड़ के बेनती करदा। मैं श्रोमणी गुरद्वारा कमेटी के प्रधान साहब नू बेनती करदा हाँ, दिल्ली गुरद्वारा कमेटी के प्रधान साहब नू बेनती करदा, आओ सारे मिलके इन्हां दोषियों नू जिहड़े रिहा होए हैं 4 बंदे, इन्हां नू जेल दीआं सलाखां च भेजिए और जिहड़े होर उत्थे जमानता मंगदे पए हन उन्हां ते ठल पाइए। बहरहाल दो इजाजत, धन्नवाद।